विद्यार्थियों असी कहानी दे दूजे भाग बारे पढ़न जा रहे हाँ। रात नूं जदों अरविंद दे डैडी घर आए तो नीलम भरी पीती बैठी सी। भरी पीती बैठना मतलब गुस्से विच होना। जदों अरविंद दे डैडी ने अरविंद की मम्मी नूं पुछया तो गुस्से विच अफर के बोली, मैं उस मैडम नूं नहीं छड्डना, उसने मेरे बच्चे नूं कुट्टिया। केड़ी मैडम ने अरविंद नूं कुट्टिया? अरविंद दा डैडी भी अपनी पत्नी वांग ही गुस्से विच बोलिया, हिसाब वाली मैडम ने। अखे इसने सवाल क्यों गलत कढ़िया? जे सवाल गलत कढ़िया तो बच्चे नूं मारन लग पो, ये कित्थों दा इंसाफ है? मैं कल नूं स्कूल जाके उसनूं पुछांगी, नाले उसकी चंगी भुगत संवारांगी। नीलम होर तैश विच आके बोली, तैश विच आके बोली मतलब गुस्से विच आके बोली, मैं भी तेरे नाल चलांगा, उसका की मतलब साडे बच्चे नूं हथ लाउण दा? उसनूं नहीं पता बच्चियां नूं मारना सख्त मना है, जे मेरे अरविंद नूं कुछ हो जांदा तां। राजकुमार भी औखा हुंदा बोलिया, काका की गल है, क्यों दोवें जाने लाल पीले हो ही जा रहे हो? अरविंद दे दादा जी उन्हां दीआं उच्चियां उच्चियां आवाज़ां सुन के बोले, पिता जी अज अरविंद नूं उसदी हिसाब वाली मैडम ने कुट्टिया है। अरविंद रोंदा रोंदा हकलिया बकलिया घर आया। हकलिया मतलब हकलिया बकलिया मतलब घबराया होया, डरिया होया। जे उसनूं कुछ हो जाता? राजकुमार बोले, काका राजकुमार इदा कपड़ियों बार नहीं होता, थोड़ा थरम्मे तो कम लईदा है, थरम्मा मतलब हौसला। मैडम ने उसते दो ला भी दित्तियां तो केड़ी आफत आ गई? आफत आ गई मतलब मुसीबत आ गई। उसने साडे बच्चे दे भले लई ही लाइया होणगियां। अपने बच्चे नूं इन्नी शह ना दिओ कि उह अपने गुरुआं दी इज्जत करनी ही भुल जावे, बल्कि उसनूं समझाओ कि जे मैडम ने उसनूं मारिया है तां उसदे भले लई ही मारिया है। अरविंद दे दादा जी उन्हां नूं समझाउंदियां बोले।